ऋषि दर्शन। खेत खलिहानों के जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने के करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, किसान भाई बहनों को रूपा भौजी का तहे दिल से जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हर खेतों में हरियाली हो, हर गांव में खुशहाली हो, यही है हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य। तो किसान भाई बहनों, देर न करते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार के पशुपालकों के बीच किया जाएगा गाय और बकरियों का वितरण। पोषक तत्व पूर्ण केचुआ खाद बनाने में ज्यादा फायदेमंद है दलहनी खरपतवार और गेहूं के पुआल का उपयोग। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं संकर प्रभेद स्वर्ण शक्ति। अब समाचार विस्तार से। लातेहार जिला में झारखंड स्थापना दिवस के दिन यानी 15 नवंबर को जिला और प्रखंड मुख्यालय में पशुपालकों के बीच गाय और बकरी का वितरण किया जाएगा। इस जिले में विशेष केंद्रीय सहायता से प्रोटोटाइप फेज 3 और 7 के तहत कुल 93 गाय शेड का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। पिछले दिनों आयोजित परियोजना कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा जिन चयनित लाभुकों के लिए गाय बकरी शेड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, उन्हें गाय बकरी दिया जाएगा। इस गाय बकरी वितरण कार्यक्रम के लिए 15 नवंबर को जिला और प्रखंड मुख्यालय में पशु मेला का आयोजन किया जाएगा। राज्य के किसान संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस में सालों भर जरबेरा और गुलाब की बागवानी खेती कर सकते हैं। खुले खेत की तुलना में संरक्षित संरचना में किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा। पॉली हाउस के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की ओर से अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। जरबेरा और गुलाब की खेती के लिए दोनों तरह से किसान भाई कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कंडीशन में भी और खुले खेत में भी। प्रोटेक्टेड कंडीशन का फायदा ये है कि उसमें वर्ष भर उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं, और खुले में जो है वो ठंड के मौसम में इसको लगाएंगे और अगले 3-4 महीने तक ही इसका उत्पादन ले सकते हैं। जैसे गर्मी बढ़ना शुरू होती है वैसे इसका उत्पादन बंद हो जाता है। तो जहाँ तक सरकारी योजनाओं की बात है तो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेड हाउस, ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा काफ़ी वितरित किए जाते हैं जा रहे हैं और इस पर काफ़ी बड़े स्तर पर सरकार बढ़ावा दे रही है ताकि किसान भाई इसका लाभ लेकर जो है आर्थिक। जो किसान खुद केचुआ खाद बनाते हैं वे खाद की गुणवत्ता और केचुआ की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। केचुआ खाद की गुणवत्ता के लिए आधी आधी मात्रा में दलहनी खरपतवार और गेहूं के पुआल का इस्तेमाल करें, जबकि केचुआ की सुरक्षा के लिए बेड में प्लास्टिक बिल्कुल ना रहने दें। केचुआ खाद तैयार करने के संदर्भ में किसानों को ये जानना जरूरी है कि जिस तरह गाय, भैंस, घास, भूसी सहित अन्य कृषि उपज का दाना खाते हैं और उन्हें अवशोषित करके यानी पचाकर गोबर देते हैं, उसे पर्याप्त मात्रा में उपज बढ़ाने वाले पोषक तत्व रहते हैं। ठीक यही प्रक्रिया केचुआ द्वारा केचुआ खाद बनाने में होता है। चूंकि दलहनी पतलों के खरपतवार में नेत्रजन सहित अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसी तरह गेहूं का पुआल भी उपयोगी है। इसलिए केचुआ खाद तैयार होने वाले बेड में 50% दलहनी खरपतवार और 50% गेहूं का पुआल दें। हाँ, जैसे आप वर्मी खाद बनाते हैं उसमें 2-3 चीज ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो है उसमें जो हमारा जो पुआल है, मतलब एक तो दलहनी टाइप का आपका ये लेना पड़ेगा, जो हमारा ये होता है खरपतवार होता है दलहनी खरपतवार, साथ ही साथ पुआल टाइप का जो होता है पुआल गेहूं का, वो दोनों का मिलावट सही अनुपात होना चाहिए। ये 50% होगा तो ये भी 50% होगा। और दूसरी बात हो गया उसमें प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, ये सभी आपको हटा देना होगा।
और ये अगर होता है तो उसमें केचुआ का उसमें कट भी सकते हैं और उसमें उसका इतना रिकवरी नहीं हो पाता है। बैगन की खेती के लिए नवंबर से जनवरी तक बुआई का काम कर सकते हैं। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए संकर प्रभेदों में स्वर्ण शक्ति या स्वर्ण विजय लगाएं, जबकि सामान्य प्रभेद में पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड या मुक्ता केशी लगाएं। बैगन के सामान्य किस्मों की बुआई में 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जबकि संकर प्रभेद का बीज 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेद की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 50-50 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जबकि संकर प्रभेद की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। झारखंड में अच्छी उपज के लिए बैगन के उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई बैगन की खेती करना चाहते हैं तो खास करके अगर संकर में स्वर्ण शक्ति है, स्वर्ण विजय है नाम की वैरायटी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और खास करके अगर लंबा बैगन लगाना चाहते हैं तो पूसा पर्पल लॉन्ग और एक राउंड वाले में गोल वाले में पूसा पर्पल राउंड और एक पूसा पर्पल कलस्टर नाम की वैरायटी आती है, और एक मुक्ता केसी नाम की वैरायटी है, ये भी काफ़ी अच्छी करती है, और एक बनारस जाइंट्स की वैरायटी है वो भी काफ़ी अच्छा करती है, और चोखा बनाने में भी उसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, बड़ी अच्छी वैरायटी है। ट्रैक्टर चालित इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से किसान कई फसलों की एक साथ बीज बुआई कर सकते हैं। इस यंत्र से बड़े बीजों में मूंगफली, मक्का, काबली चना तथा छोटे बीजों में सलजम और सरसों जैसी फसलों की बुआई की जा सकती है। आज हम जानेंगे विलंब से की जाने वाले प्याज की खेती में कीट नियंत्रण कैसे करें। यदि विलंब से प्याज का पौधा रोपण करना हो तो बीजड़े को खेत में लगाने से पहले कार्बोस्यूल फैल दवा 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर बीजड़े की जड़ों को उपचारित कर लें, उसके बाद उसे खेत में लगाएं। यह उपचार प्याज फसल में कीट नियंत्रण के लिए कारगर है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। अब राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गोड्डा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2600 रुपए से 2800 रुपए, गेहूं 1750 रुपए से 1950 रुपए, दाल अरहर 10000 रुपए से 11000 रुपए, दाल मसूर 10000 रुपए से 10500 रुपए, चीनी 4000 रुपए से 4200 रुपए, आलू 1800 रुपए से 2000 रुपए और प्याज 1200 रुपए से 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बारी के बारे में। लेते हैं एक छोटा सा नन्हा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होंगे। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करूँ नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी।
विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। तो किसान भाई बहनों, जानकारी का पिटारा तो खुल ही चुका है, आज आपको मीठी मीठी सी जानकारी दिलवानी है। जी हाँ, आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती के बारे में। ले लीजिए जानकारी, लाभ उठा लीजिए। मक्का विश्व की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब मक्का को कॉर्न, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न इत्यादि अनेक रूपों में पहचान मिल चुकी है। हालांकि यह खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए तकरीबन 12 में से तकरीबन 10 महीनों में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती की जा सकती है। सिर्फ दिसंबर और जनवरी के महीने में अत्यधिक ठंड होने के कारण अंकुरण सही ढंग से नहीं हो पाता है। जैसे मक्का का जो लगाने का समय था वही तो इनके लिए भी है, लेकिन ये जो सीजन है इसके लिए आप चाहे तो अपने क्षेत्र में ठंडक से थोड़ा बचने के ध्यान रखें और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो समय आपका है दिसंबर के पहले आप इसको जब इच्छा है तब लगा सकते हैं। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न केवल दिसंबर और जनवरी माह छोड़ दें और उसके बाद आप जब चाहें आप लगा सकते हैं, और क्योंकि ठंडक में इसका थोड़ा विकास कम होता है इसलिए अपने क्षेत्र में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न के लिए पूरा आपका 10 महीना आपके साथ में है, जब इच्छा है तब लगा सकते हैं। अभी भी समय है, आप चाहें तो लगा लें और इसका लाभ आपको मिल जाएगा। बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश की भरपूर मात्रा हो की जा सकती है। इसके लिए खेत की जुताई के बाद तकरीबन 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश और जिंक सल्फेट की कमी वाली मिट्टी में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट दें। 150 से 180 किलोग्राम नाइट्रोजन का फसलों की विभिन्न अवस्थाओं में बांट बांट कर भुरकाव करें। आप जो है लगभग 150 से लेकर के 180 किलोग्राम नाइट्रोजन रहेगा, आपको 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश और अगर वहाँ जिंक सल्फेट की कमी है तो 25 किलोग्राम लगेगा। और जो पूरा का पूरा फास्फोरस और पोटाश एक बार में दे देंगे, जिंक सल्फेट भी एक बार में दे देंगे और जो नाइट्रोजन है उसको कई रूपों में देंगे। पहले 10% देंगे बुआई के समय, 20% देंगे उसमें 4 पत्ती हो गया, और फिर 30% देंगे उसमें जब 8 पत्ती हो जाए, और नरमंजरी निकलते समय नरमंजरी जो है पूरा आ जाए उस समय भी खाद देंगे तो आपका अधिकतम लाभ होगा। और अधिक से अधिक लोगों को बतलाना चाहिए, इंटरक्रॉपिंग में भी लगाएं, मोनोक्रॉपिंग में भी लगाएं, लोगों को बतलाएं कि ये इसमें लाभ है और लोगों को नया चीज मिलेगा, अपने क्षेत्र के किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की फसल से बेहतर मुनाफा के लिए सही प्रभेदों का चुनाव आवश्यक है। सुगर 74, सुगर 75, माधुरी, प्रिया, गोल्डन हनी, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न एवं विन ऑरेंज स्वीट कॉर्न की प्रमुख प्रजातियां हैं, जबकि प्रकाश, विवेक, HIM 139, HIM 123, रियल 42 और NH4 बेबी कॉर्न की प्रमुख प्रजातियां हैं। स्वीट कॉर्न के लिए हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत अच्छी प्रभेद जो आ गई है मार्केट में, जिसमें बोलते हैं सुगर 74, सुगर 75, माधुरी, प्रिया, बिन ऑरेंज, गोल्डन हनी, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, ये सब जो किस्में हैं हमारे क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें से सबसे बढ़िया जो है स्वीट कॉर्न 75 जो है बहुत बढ़िया, सुगर बेबी उसके नाम से भी जानते हैं, बाज़ार में मिलता है और आप उसको लेकर के बढ़िया ढंग से लगा सकते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और जो आप क्षेत्र में लगाएंगे उसका लाभ अधिकतम प्राप्त होगा, क्योंकि इसका मार्केट में साइज और स्वीट टेस्ट पे ही डिपेंड करता है। तो बेबी कॉर्न में कौन कौन से उन्नत प्रभेद है? बेबी कॉर्न के प्रमुख प्रभेद है प्रकाश, विवेक, गोल्डन बेबी और HIM 139, हिम 123 और NH4। ये प्रभेद जो है हमारे क्षेत्र के लिए उपयोगी है। VL42 भी ये हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा माना जाता है। हमारे क्षेत्र में बेबी कॉर्न का जो मार्केट है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको हम अगर अच्छे प्रभेद को लेकर के आएंगे तो हमारा उन किसानों का विकास अच्छा होगा, जिसमें प्रकाश, विवेक, गोल्डन बेबी और HIM 129 और हिम 123, VL42, NH4 ये प्रभेदें आप जो है बाजार से चुनाव करके आप अच्छे तरह से लगा सकते हैं। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न का उपयोग सलाद, सूप, समोसा, अचार एवं व्यंजनों को बनाने में किया जाता है, फलतः इसकी मांग काफी बढ़ी है। स्वीट कॉर्न 90 दिनों और बेबी कॉर्न 45 से 55 दिनों के अंदर तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है।
इसलिए फसल तैयार होने से पहले होटल या रेस्तरा संचालक से संपर्क कर बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। कॉर्न का उपयोग तो बहुत व्यापक है, इसको जो है लोग रोस्ट करके खाते हैं, इसको सैंडविच में ले आ खाते हैं, इसको आप जो है बढ़िया से समोसे के अंदर भी डाल रहे हैं, इसको पिज्ज़ा के ऊपर भी यूज करते हैं और इसका सूप बना खाते हैं जो है। जहाँ तक बेबी कॉर्न की बात है, उसका सलाद बनाते हैं लोग, उसका भी सूप बनाते हैं, उसका सब्जी बनाते हैं जो है, उसका जो है अचार में भी यूज करते हैं और उसको जो है आप अपने क्षेत्र में चाहे तो बढ़िया ढंग से उसको विभिन्न रूपों में यूज कर सकते हैं, आप उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें। और मार्केट में इसको अपने आप को प्रचारित करना होगा कि मैं स्वीट कॉर्न लगा रहा हूँ, मैं पॉपकॉर्न लगा रहा हूँ, कि मार्केट में सूचना दे करके रखें, फ़ोन अपना नंबर दे करके रखें कि यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न मिल जाएगा। बेबी कॉर्न भी आप जब लगा रहे हैं तो आप अपने किसान जो क्षेत्र में हैं, जो लोग मार्केट में व्यापारी हैं, उनको भी सूचना देंगे कि ये जो है आप जो है बेबी कॉर्न लग रहा है, ये लगभग 45 से लेकर के 55 दिन पर तैयार होगा, तो उस समय लोगों की तैयारी रहेगी, लोगों की जानकारी रहेगी, तो आप जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में आप बढ़ पाएंगे। बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती के लिए बीज, उर्वरक एवं सिंचाई की लागत को जोड़कर देखा जाए तो इसमें मुनाफा की अच्छी गुंजाइश है। जैसे स्वीट कॉर्न आपको 10 रुपए पर पीस से लेकर के 15 रुपए तक मिल जाता है और बेबी कॉर्न जो है आपको 35 से 40 रुपए किलो के दर से आपको बाजार में रेट मिलता है, तो आप इसका पैसा अच्छा ढंग से मिलता है और इसको लगाने का प्रयास सभी को करना चाहिए। बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की फसल को चिड़िया काफी नुकसान पहुंचाते हैं, इससे बचाने के लिए खेतों में कुछ नकली ढांचा बनाएं या खेत को पुराने ऑडियो कैसेट की फीता से घेर दें। इससे चिड़ियों से होने वाले नुकसान से फसल को बचाया जा सकता है। अगर चिड़िया का प्रकोप है तो उस क्षेत्र में आप कोशिश करेंगे कि कुछ जो है पुआल का एकदम स्ट्रक्चर बना करके बीच में बांध दें और दूसरा उसके ऊपर जो है जो पुराने कैसेट रहते थे जो ऑडियो कैसेट, उसको खोल करके उसको ऊपर चारों तरफ से बांध देंगे, एक आवाज़ आएगा फट 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 करने का जिससे चिड़िया डरेगा और उसमें चमक आएगा जिससे चिड़िया वहाँ पर जल्दी नहीं जाएगा। उसको कर लेने से आप जो है चिड़ियों से जो है सुरक्षित रहेंगे। बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न से बने व्यंजन आज की तारीख में काफी लोकप्रिय है, लिहाजा इसकी मांग भी अधिक है। मांग अधिक होने के कारण अधिक मुनाफा कमाने की भी गुंजाइश है। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी ना? मुझे पता था मीठी मीठी जानकारियाँ आपको अच्छी ही लगती है। तो ले लेते हैं एक छोटा सा विराम और आपको दिखाते हैं संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाई बहनों, अभी आपने मीठी मीठी जानकारी तो ले ही डाली है, सब्जियों की खेती भी आप हरी हरी करते ही हैं, तो चलिए आज आपको जानकारी दिलवाते हैं सब्जियों में कीट व्याधि प्रबंधन के बारे में। जानकारी ले लीजिए और इसका भी लाभ उठा ही डालिए। सब्जी फसल उत्पादक राज्यों की श्रेणी में झारखंड की एक अलग पहचान है। यहाँ सालों भर बड़े पैमाने पर सब्जी फसलों की खेती की जाती है। खेती बाड़ी से जुड़े तमाम प्रबंधनों के तहत कीट प्रबंधन बेहतर फसल उत्पादन के लिए एक आवश्यक शर्त है। मौसम के बदलाव के साथ साथ फसलों पर अलग अलग कीटों का आक्रमण होता है। जाड़े के मौसम में कई तरह के फल एवं तना छेदक कीटों, बरूथियों एवं लाही का फसलों पर आक्रमण होता है। राज्य में बैंगन और टमाटर जैसी फसलों में सर्वाधिक तना एवं फल छेदक कीट का आक्रमण होता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि झारखंड में जैसे भी सारी सब्जियां, जैसे आपका टमाटर हो गया, बैंगन हो गया है, इसके साथ में और भी सब्जियां हैं, आप टमाटर बैंगन की सब्जी पूरे वर्ष भर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उसमें कीट और जो भी कीट और बीमारियां आती हैं, तो उसमें हम बात कर रहे हैं कीट की, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा छिड़काव करते हैं,
और उसके लिए छिड़काव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन से जो मौसम है कौन सी कीट ज़्यादा आता है, जैसे अभी हम शीत ऋतु में बात करेंगे तो कौन सा कीट है जिसको आपको नियंत्रण की ज़रूरत है, प्रबंधन की ज़रूरत है, मैं कहना चाहूँगा प्रबंधन की ज़रूरत है। नियंत्रण हम करते ही हैं कि किसी भी कीटनाशक का छिड़काव करके हम उसको फोर्सफुली रोकते हैं तो नियंत्रण है। लेकिन जैसे बात कर रहे हैं तो बैंगन की, बैंगन में एक ही कीट है फल एवं तना छेदक, जो फल में लगता है। आपको फल बाहर से अगर साफ दिखाई दे रहा है, इसका जब कीट का आक्रमण होता है तो इसका पिल्लू अंदर घुस जाता है, फल बाहर से साफ दिखाई देता है लेकिन जैसे ही अब अंदर से काटते हैं तो उसके अंदर पिल्लू खा करके उसको ख़राब कर देता है। दूसरा वही कीट इस बैंगन में आपका जहाँ तना, जहाँ बढ़वार हो रही है, जहाँ से आपका फूल निकलना है वहीं से उसके अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने की वजह से जो तना है वो ऊपर से मुरझाता हुआ सूख जाता है। सूखने की वजह से और तीन चार वहाँ से तने निकलते हैं और उस लक्षण की वजह से आपका जो बैंगन का पेड़ है वो गुच्छेदार हो जाता है। तो ये हो गया तना फल एवं तना छेदक बैंगन में कीट। राज्य में गोभी वर्गीय और लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। फूल गोभी की फसल में बीचड़ा तैयार करते वक्त गांठ में डायमंड बैक मॉथ एवं पायरिस ब्रोसिकी जैसे कीटों के आक्रमण से फसलों को काफी नुकसान होता है, जबकि लतेदार फसलों पर लाही का आक्रमण होता है। हम शीत ऋतु में बहुत ज्यादा गोभी वर्गीय फसलों की बुआई करते हैं तो उस गोभी वर्गीय फसलों में मुख्य रूप से आप जैसे ही बिचड़ा तैयार करेंगे तो उसमें देखते हैं कि एक कीट जो आपका पत्ता है उसके ऊपर काफ़ी संख्या में रहता है और उस संख्या से जैसे धीरे धीरे बाद में दूसरे और भी पास के पेड़ हैं उन पे जाता है। जब छोटा रहता है तो पत्ती को खुरच करके खाता है लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है पत्ती को पूरी तरह से खा जाता है। तो ये कीट आपको जो भी गोभी वर्गीय फसलें हैं उसमें लगता है। आपका जैसे ही फूल गोभी का पूरा गांठ बनता है तो उसके अंदर छोटा पिल्लू रहता है जिसको हम डायमंड बैक मॉथ बोलते हैं और पायरिस ब्रासी की दूसरा कीट होता है। दोनों कीट क्या करते हैं अंदर घुस जाते हैं और आपका जो फूल है और जो जो गांठ बनी है गोभी की उसके अंदर छेद करके घुस जाते हैं, जिसकी वजह से आपका गोभी वर्गीय फसलों में काफ़ी खराबी जो काफ़ी नुकसान होता है और वो खराब हो जाती है। कीटनाशकों का छिड़काव, खासकर रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव कीट फसलों को बचाने का आखिरी विकल्प होना चाहिए। डिजिटल तकनीकों एवं प्रयोगों से भी फसलों की कीटों से रक्षा की जा सकती है। बैंगन की फसल को तना एवं फलछेदक कीट से बचाने के लिए खेत के चारों ओर मकई की फसल लगा दें। 5 पंक्ति बैंगन लगाने के बाद 1 पंक्ति धनिया की बुआई करें। रस चूसक कीटों से फसल को बचाने के लिए राख का भुरकाव करें या ट्रेप का इस्तेमाल करें। कीटनाशक लास्ट में हम प्रयोग करते ही करते हैं लेकिन इससे पहले भी काफी तरीके हैं जिसके द्वारा हम कीट को आने ही नहीं दे और आ रहा है तो कीटनाशक का प्रयोग नहीं हो इसके लिए क्या करें। जैसे बात कर रहे थे बैंगन की, अगर बैंगन में बात करते हैं तो बैंगन में तना एवं फल छेदक जहाँ से कीट लगता है, अगर ये जहाँ से लगना शुरू हो गया है अगर बिचड़ा तैयार किए हैं वहाँ पे आप प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन खेत में अगर लगा दिए हैं तो कभी भी बुआई करें तो आप खेत के चारों तरफ मकई जरूर बुआई करें। और अभी हमारे तक एक हमने शोध से पाया है कि इसमें 5 अगर लाइन के बाद में 1 लाइन अगर आप धनिया पत्ता की बुआई करते हैं तो कीट उससे प्रतिकर्षित होता है, दूर दौड़ता है तो आपके मुख्य फसल जो बैंगन है उस पे आपका कीट नहीं आएगा। टमाटर की फसल को कीटों से बचाने के लिए प्रत्येक 10 मीटर की दूरी पर एक फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इन पर तितलियां आकर्षित होती हैं और उनकी संख्या स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है। टमाटर की बात कर रहे हैं जो फल छेदक है हेलिकोर्पा आर्मीजेरा जिसको साइंटिफिकली हम बोलते हैं, वो एक विशेष गंध जिसको फेरोमोन बोलते हैं उसका ट्रैप बनाया जाता है। फेरोमोन ट्रैप जो हेलील्यूर के नाम से आपको मिलता है उसको हर 10-10 मीटर पे एक की संख्या में लगाएंगे तो उसके ऊपर आपके प्रोड जो तितलियां हैं उसकी तरफ आकर्षित होंगी और मुख्य फसल पर आपका कीट का अच्छे से नियंत्रण होगा। इन उपायों के बाद किसान भाई फसलों को कीटनाशकों से बचाने के लिए नीम अथवा अन्य जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें। नीमाजोल, बायोनीम जैसे कीटनाशकों के उपयोग से सब्जी फसलों को कीटों के प्रकोप से बचाया जा सकता है। कीटनाशक में अगर जो वातावरण के लिए और दूसरा उसके लिए जो वातावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए
हानिकारक नहीं है उनका पहले प्रयोग करें। उसमें नीम आधारित दवाइयां हैं, जो नीम जैसे बायोनीम है, नीमाजोल है, इनको 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके, अगर इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं 1.5 ml से को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें प्रारंभिक अवस्था में। इसके बाद में जैसे आजकल इमामेक्टिन बेंजोएट है, जो आपको अच्छा कीटनाशक है और पर्यावरण के लिए भी इतना नुकसानदायक नहीं है। इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग जहाँ पे भी पिल्लू लग रहे हैं, गोभी वर्गीय फसलों में, आपके बैंगन में, टमाटर में, 1 g/l पानी के हिसाब से 1 g को 2 लीटर पानी में मिला करके इस इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि आपको हर तरह सा कीट भी नियंत्रण होगा अच्छे से और आपको नुकसान नहीं। इन उपायों के बावजूद अगर कीटों की संख्या अधिक हो तो साइपर मैथ्रीन एवं डेल्टा मैथ्रीन जैसे रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करें। ध्यान रहे, ऐसे कीटनाशकों का उपयोग तुड़ाई से 3-4 दिन पहले करें। संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है कीटों की, तो इसके लास्ट में साइपर मैथ्रीन या डेल्टा मैथ्रीन डेसिस जो पाउडर आता है उसका प्रयोग तुड़ाई के बाद में प्रयोग करें। तुड़ाई से 3-4 दिन तक पहले तक कोई आप कीटनाशक का छिड़काव नहीं करें। यह सब करके आप कीटों को सब्जियों में नियंत्रित कर सकते हैं। रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से पहले कीट नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रबंधन ज्यादा जरूरी है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और मानव स्वास्थ्य दोनों की रक्षा होती है। अच्छी लगी ना जानकारी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अजी, जानकारी तो हमारे पास और भी है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में देने वाले हैं। फटाफट कागज और कलम उठा लीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सके। हमारा पता नोट कीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड रांची, पिन संख्या 836001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।